भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने का समय जैसे ही नजदीक आ रहा है, धाम में मौसम के लगातार खराब होने से बर्फबारी होना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा व्यवस्थाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की डोली धाम में पहुंचेगी, साथ ही 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट भी आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। ऐसे में लगातार हो रही बर्फबारी ने चिंता बढ़ा दी। इस बार केदारनाथ में आने वाले यात्रियों को धैर्य रखते हुए कुछ दिनों बाद यात्रा पर आना होगा। केदारनाथ में बर्फबारी जारी है, ऐसे में जिला प्रशासन सहित स्थानीय व्यापारियों, घोड़े खच्चरों, डंडी कांडी के साथ ही तीर्थ यात्रियों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कल दोपहर बाद फिर तेज बर्फबारी शुरू हो गई। यात्रा मार्ग पर बर्फ जमी रही, जिससे आने जाने वालों को खतरा बना रहा। हालांकि प्रशासन पुलिस की टीमें कठिन परिश्रम करते हुए व्यवस्थाओं को सुधारने में लगी है। वहीं पुलिस एवं स्थानीय युवाओं द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि केदारनाथ की यात्रा पर आने से पहले मौसम की जानकारी रखें। बर्फबारी के चलते आप सभी को यहां पर परेशानी हो सकती है, इसलिए यात्रा का प्लान कुछ दिनों रुक कर करें। उत्तराखंड समाचार के लिए सत्यपाल ने की रिपोर्ट। केदारनाथ में हूँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। लगातार 3-4 दिनों से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है और कल बाबा केदार की डोली यहाँ पे पहुँचनी है, परसों सुबह बाबा केदार के कपाट खुलने हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूँगा कि गर्म कपड़ों के साथ और मौसम की पूरी जानकारी लेकर ही आप यहाँ आए, क्योंकि यहाँ रहने और खाने के अभी काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना। सभी यात्री जो यात्रा के लिए केदारनाथ धाम में आने के लिए इच्छुक है, वो आने से पहले या यात्रा शुरू होने से पहले मौसम का जो है अनुमान जरूर ले। 2-3 दिन से ये देखा जा रहा है कि केदारनाथ में लगातार मौसम जो है बदलाव हो रहा है मौसम में, इसकी वजह से वहाँ पे लगातार बर्फबारी हो रही है और काफ़ी बर्फ जो है वो मंदिर के परिसर में भी जमा हो चुकी है। हम पुलिस प्रशासन जो है लगातार बर्फ को सफाई करने का काम भी चल रहा है, फिर भी अगर स्नोफॉल होती है तो उसमें कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरे सभी यात्रियों से ये अनुरोध रहेगा कि जब भी वो यात्रा शुरू करें मौसम को ज़रूर देखें और मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा जो है वो प्लान करें।